जी, मेरा नाम डॉक्टर विजित जायसवाल है। मैं MBBS MD और न्यूरो मानसिक एवं नशा मुक्ति विशेषज्ञ हूँ। अगर ये तीन चीज़ें जो मैंने बताई, न्यूरो मानसिक एवं नशा मुक्ति वाली चीज़ें, इसको अगर हम वृहद रूप में देखें तो न्यूरो और मानसिक, ये दो समस्याएं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। जो भी हमारे विचार हैं, हमारी भावनाएं हैं या हमारा व्यवहार है, वो सारी चीज़ें पैदा तो हमारे दिमाग से ही होती हैं। इसीलिए जो भी मानसिक समस्याएं हैं वो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग से जुड़ी होती हैं। दिमाग में किस तरह की बदलाव होने के बाद ये मानसिक समस्याओं से व्यक्ति जूझता है, उसके बारे में अगर मैं बहुत ही बेसिक, बहुत आधारभूत बातें करने का प्रयास करूं, तो उसमें कुछ ऐसी हैं कि हमारे दिमाग में कुछ केमिकल्स होते हैं, बहुत ज़रूरी केमिकल्स होते हैं, जो हमारे विचारों के लिए, हमारे व्यवहार के लिए, हमारी अपनी भावनाओं के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो दरअसल मानसिक समस्याएं शुरू वहीं से होती हैं जहां से ये दिमाग के केमिकल, माइक्रो केमिकल कह सकते हैं, यानी बहुत छोटे छोटे से केमिकल्स होते हैं जिनमें बदलाव होने शुरू होते हैं, और ये बदलाव ही हमारे विचार, हमारे व्यवहार, हमारी भावनाएं, हमारे एहसास, इनको बदलती हैं। तो सवाल ये उठता है कि ये मानसिक रोग या ये भावनाएं, ये समस्याएं बदलना कैसे शुरू होती हैं। तो ऐसा देखा जाता है कि कोई व्यक्ति अगर किसी तनाव से, कोई अचानक से कोई तनाव से ग्रसित हो जाता है, जैसे आपने देखा होगा मानसिक समस्याएं उभर आती हैं, लाइक किसी ने कोई बुरी खबर सुन ली, उसके बाद से उसमें धीरे धीरे चिड़चिड़ापन, गुस्सा, व्यवहार में बदलाव, ये सारी चीज़ें दिखने लगती हैं। तो ये उत्पन्न यहीं से होती हैं कि जब छोटा सा कोई ऐसा तनाव आता है जिसको वो व्यक्ति झेल नहीं पाता है, तो दिमाग में धीरे धीरे केमिकल स्तर पे, दिमाग के केमिकल रासायनिक बदलाव होते हैं। उन रासायनिक बदलाव का नतीजा ये होता है कि व्यक्ति की अपने सोचने और समझने की क्षमता में फर्क पड़ता है और उसका व्यवहार बदलने लगता है, जिससे वो व्यक्ति स्वयं, हो सकता है अवेयर ना हो, जानकार ना हो। कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि मानसिक रोग में व्यक्ति खुद जानकार नहीं होता है कि उसे क्या क्या समस्याएं हो रही हैं, तो ना ही वो स्वयं डॉक्टर के पास जाना चाहता है। लेकिन हाँ, उसके आस पड़ोस परिवार के लोग जरूर पहचान जाते हैं कि अगले व्यक्ति में कुछ व्यवहारिक समस्याएं मुझे देखने में मिल रही हैं, जैसे उसका व्यवहार खराब होता दिख रहा है, वो बात ठीक से नहीं कर पा रहा है, वो चीज़ों को समझ कम पा रहा है, वो चीज़ों को एनालाइज, कैसे उसका विश्लेषण ठीक तरह से नहीं कर पा रहा है, किसी चीज़ को बोला जाता है वो ले किसी और सेंस में जाता है, ऐसी समस्याएं, या उसका व्यवहार, चलने फिरने, बोलने, बात करने, बैठने का तरीका बदल रहा है, तो वहाँ पे परिवार या अन्य व्यक्ति ये पहचान जाते हैं कि अगले व्यक्ति को कोई मानसिक समस्या हो सकती है, तो वो डॉक्टर के पास ले करके आते हैं। उसके बाद जो दवाइयाँ हम इन समस्याओं के लिए देते हैं, उनमें ये खास बात होती है कि वो सीधा दिमाग पे जा करके असर करती हैं, और जो रासायनिक बदलाव होते हैं उन्हें वापस से सही करने का प्रयास करती हैं, जिनकी वजह से व्यक्ति के विचार पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाते हैं और वो अच्छा महसूस करते हैं। मानसिक समस्याओं के बारे में अक्सर ये देखा जाता है, लोग ये कहते मिलते हैं कि इनमें दवाइयों की ज़रूरत नहीं है, इनमें सिर्फ काउंसलिंग से चीज़ें ठीक की जा सकती हैं। मैं मानता हूँ कि काउंसलिंग का मानसिक रोग में बहुत बड़ा योगदान है, लेकिन पूरा योगदान काउंसलिंग का नहीं होता है। मैं आम व्यक्ति को ये ज़रूर समझाना चाहूँगा कि डिप्रेशन का इलाज केवल काउंसलिंग नहीं है। डिप्रेशन एक मेंटल प्रॉब्लम है, और उस मेंटल प्रॉब्लम के पीछे कुछ बायोलॉजिकल, यानी दिमाग में रासायनिक बदलाव का कारण है। तो उस बदलाव को जब तक हम दवाइयों से नहीं ठीक करेंगे, तब तक केवल समझा करके कि अगला व्यक्ति डिप्रेशन में है, उसको हम समझा देंगे, वो ठीक हो जाएगा, ये कहना गलत होगा। पहले किसी समय में ये कहा जाता था कि काउंसलिंग कर दीजिए, डिप्रेशन ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं है। डिप्रेशन एक ब्रेन की बीमारी है, केमिकल यानी कि रासायनिक बदलाव की बीमारी है, तो उस रासायनिक बदलाव को दवाओं के द्वारा बदला जाना बहुत ज़रूरी है। अगर हम ऐसा करते हैं और साथ में काउंसलिंग को भी ले करके चलते हैं, तो हमारे जो परिणाम है वो बहुत ही अच्छे हमें मिलते हैं। नशा मुक्ति की जहाँ तक बात की जाए, तो आज के युग में एक नए तरीके का नशा, जैसा कि आप सभी देख रहे होंगे, हमें देखने को मिलता है, वो है मोबाइल, या यूं कहें इंटरनेट, या सोशल मीडिया का नशा, जिससे हर परिवार का एक ना एक व्यक्ति जरूर सफ़र कर रहा है। तो मैं उस मोबाइल एडिक्शन या
इंटरनेट एडिक्शन पे थोड़ी सी बात करना चाहूँगा। वो कुछ इस तरह से है कि ये इंटरनेट मोबाइल का एडिक्शन शुरू कहाँ से होता है। ये मोबाइल और ये इंटरनेट और ये सोशल मीडिया तो अभी आए हुए मुश्किल से पिछले 10-15 सालों में ज़्यादा इनका फ्लरिश हुए हैं ये, लेकिन ऐसा देखा जाता है कि इस समय जो आज की डेट में जो नवजात जन्म ले रहे हैं, यहीं से जहां वो जन्म लेते हैं उसके बाद ही ये इंटरनेट और मोबाइल का नशा शुरू होता है। जो व्यक्ति उससे पहले जन्म लिए हैं वो भी हैं, और जो व्यक्ति नए पैदा हो रहे हैं, जो बच्चे नए पैदा हो रहे हैं, उनमें ये नशे की आदत उनके माता पिता या उनके परिवार के अन्य लोग स्वयं डाल रहे हैं। अब सवाल उठता है कैसे उनके अपने परिवार के लोग ही अपने बच्चों के लिए घातक हो रहे हैं इस मोबाइल नशे को लेकर। देखें तो जब बच्चा पैदा होता है उसके बाद वो सीधी सी बात है बच्चा रोएगा, बच्चा है तो रोएगा, वो अपनी सारी डिमांड बताने की जगह में हर चीज़ को रो करके एक्सप्रेस करेगा, पूछेगा, मांगेगा, बताएगा। उस समय माता पिता अपने आप को उस बच्चे के रोने से बचाने के लिए मोबाइल की स्क्रीन दिखाते हैं। उस मोबाइल की स्क्रीन पर बदलते हुए रंग को देख करके बच्चा उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है। अट्रैक्ट होने के बाद उसके वहीं से उसके ब्रेन में जो दिमाग में जो रासायनिक बदलाव शुरू होते हैं वो उसको आगे चल के जो जो उसका जीवन बढ़ेगा उसको मोबाइल के नशे की तरफ लेकर के जाते हैं। वो रंग का बदलना, वो स्क्रीन पे तरह तरह की इतनी तेज़ी से जो बदलाव होते हैं उसको देख करके बच्चा अट्रैक्ट होता है, और वो उसमें माता पिता को एक ये छुटकारा मिल जाता है कि वो बच्चे को खिलाना कम पड़ता है। माता आज की डेट में ऐसा देखा जा रहा है कि ज़्यादातर माता पिता दोनों वर्किंग हैं तो वो ज़्यादा समय बच्चे के साथ दे नहीं पा रहे हैं। एकाकी परिवार यानी न्यूक्लियर फैमिली में ज़्यादातर लोग रहना पसंद कर रहे हैं। माता पिता के अलावा घर में दादा दादी, चाचा चाची, ताऊ इन ताई जी, इन लोगों का रहना बहुत कम देखा जा रहा है। एकाकी परिवार इसके लिए बहुत ज़्यादा जिम्मेदार है। जहाँ पे माता पिता वर्क कर रहे हैं शाम को आते हैं तो अपने घर पे भी वो कंप्यूटर पे लगे हुए हैं। बच्चा रो रहा है, बच्चा चाह रहा है कि मुझे ले जा करके फादर मेरे या मेरी मदर ले जा करके पार्क में घुमाएं या मुझे और मुझसे बातें करें, लेकिन पेरेंट्स के पास इतना बिजी होने की वजह से इतना समय नहीं, और वो उसे मोबाइल की स्क्रीन दिखाते हैं, देखो बेटा क्या हो रहा है, गेम चल रहा है, इसमें वीडियो चल रही है। उस वीडियो को देख करके बच्चा अट्रैक्ट होता है, फिर वो धीरे धीरे उस पर निर्भरता बढ़ती जाती है और माँ बाप से वो दूर होता जाता है। एक अलग मोबाइल और इंटरनेट को जैसा वर्चुअल आभासी दुनिया का नाम दिया जाता है तो वो एक आभासी दुनिया में चला जाता है और उसी दुनिया को वो सच मान बैठता है। सच मान बैठने के पीछे कारण यही है क्योंकि माता पिता ने कभी बैठा के उसे समझाया नहीं, बेटा ये दुनिया अलग है और ये जो तुम दुनिया आप देख रहे हो हमारे आसपास ये दुनिया अलग है, उसमें बहुत सारी चीज़ें आभासी हैं जो सच मायने में नहीं घटित होती हैं, जबकि रियल लाइफ उससे बहुत ज़्यादा कई जगहों पे डिफरेंट है। कई जगहों पे तो वैसे ही है लेकिन कई जगहों पे बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, और जिसकी वजह से बच्चे का मानसिक विकास, बच्चे का चीज़ों को एनालाइज, चीज़ों का विश्लेषण करने का जो तरीका है वो बदलता है। वो सीधा सीधा समझता है कि कोई अगर आपसे लड़ाई करने आ रहा है, जैसा वो गेम्स में देखता है कि सामने से अगर कोई आपसे लड़ाई करने आ रहा है, सामने से किसी ने एक पिस्टल बंदूक कुछ ले रखी है तो मुझे भी निकाल के उसे गोली मार देनी है, जो कि उसे वो गेम्स में देख रहा है, वैसा ही वो रियल लाइफ में करने का प्रयास करता है, जिसकी वजह से समय बढ़ने के साथ साथ में उसमें कई सारी सोचने की, समझने की, सही मायने में जो हमारे संसार की वास्तविक चीज़ें हैं उसको ठीक तरह से विश्लेषण करने की क्षमता में फर्क पड़ता है और उसका आगे का जीवन दुखमय बीतता है। अभी जैसा कि मैं आप लोगों से बात कर रहा था, बता रहा था कि ये बच्चों में जो मोबाइल के प्रति बढ़ता रुझान है और बड़ों में भी मोबाइल के प्रति एक नशे की प्रवृत्ति बनती जा रही है समय के साथ में, सवाल ये उठता है कि हम इस समस्या से बचें कैसे, हम कैसे इस समस्या से बचें और इस समस्या से कैसे बाहर आएं। जो व्यक्ति आज के समय में अपने मोबाइल एडिक्शन या इंटरनेट या सोशल मीडिया से बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है, जिसके कारण उसकी अपनी व्यक्तिगत जीवन में बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं और उन समस्याओं का कोई निष्कर्ष नहीं निकाल पा रहा है, वजह यह है कि वो उस समस्या के पीछे का कारण नहीं समझ पा रहा है। ऐसा देखा जा रहा है कि बहुत सारे परिवार में विघटन होने का एक ये बहुत बड़ा कारण रह रहा है कि हस्बैंड और वाइफ दोनों इतने ज़्यादा व्यस्त हैं कि दोनों अपने ना ही अपने बच्चों के लिए और ना ही अपने माता पिता के लिए थोड़ा सा समय निकाल कर
अपने परिवार को इकट्ठा करके अपनी बातें एक दूसरे से कर सकें। ऐसा देखा जा रहा है बहुत सारे लोग अपने मोबाइल में इतना ज़्यादा समय बिता रहे हैं कि वो अपने परिवार में होने वाली चीज़ों को ना ही एक दूसरे से बता पा रहे हैं। उन चीज़ों में मैं कुछ बहुत ज़रूरी समस्याएं जो एक दूसरे को अपने जीवन में आती हैं, जिसको वो एक दूसरे से कह करके काफ़ी हद तक ख़त्म कर सकता है, कम कर सकता है, इस चीज़ के लिए समय निकाल पाना व्यक्ति के लिए बहुत मुश्किल होता जा रहा है। तो अब मैं अगर बात करूं कि आप कैसे आखिर अपने परिवार को, अपने बच्चों को इस मोबाइल या इंटरनेट या सोशल मीडिया से होने वाले दुष्प्रभाव से बचा सकते हैं। देखिए, एक लाइन कही जाती है, एक वाक्य है कि जब तक आपके जीवन में अनुशासन नहीं होगा तब तक आप अपने जीवन को बहुत अच्छा निर्वाह नहीं कर सकते। तो अनुशासन हमारे जीवन को आगे बढ़ाने की एक बहुत ही ज़रूरी कड़ी है, जो जब हमारे जीवन से जुड़ जाती है तो हम काफ़ी हद तक अपनी सफलताओं को पा जाते हैं। अनुशासन से यहाँ पे मेरा मतलब ये है कि हर व्यक्ति को अपने जीवन को एक अनुशासित तरीके से जीना चाहिए। अनुशासित तरीके से जीने का मतलब है व्यक्ति का जो समय है 24 घंटे, जो कि हर व्यक्ति का है, किसी भी व्यक्ति का 23 घंटे का समय नहीं होता, किसी भी व्यक्ति का 25 घंटे समय नहीं होता। लेकिन आप देखेंगे कुछ व्यक्ति अपने जीवन को बड़ी सरलता के साथ में, बड़े अनुशासन के साथ में और हर चीज़ में अपनी भागीदारी, पूरी भागीदारी देते हुए अपने जीवन का निर्वाह करते हैं, जबकि कुछ लोगों को आपने देखा होगा समय नहीं है, हमारे पास इस चीज़ के लिए समय नहीं है, हमारे पास इस काम के लिए समय नहीं है, ये कहते हुए आप देखेंगे। तो यहीं पे बात आती है अनुशासन की। सवाल ये उठता है कि हम अपने जीवन को कितना अनुशासित तरीके से व्यतीत कर रहे हैं, तभी हम अपने परिवार, अपने बच्चों को, अपने माँ बाप को, अपने अड़ोसी पड़ोसी, अपने नाते रिश्तेदार संबंधियों को समय दे पाएंगे। अनुशासित जीवन का मतलब है हम सबसे पहले वो अनुशासन अपने जीवन में लगाएं। अपने जीवन में अनुशासन लगाने का मतलब है हम अपने जीवन के जो प्रतिदिन के 24 घंटे हैं उसको किस तरह से खर्च कर रहे हैं। ये 24 घंटे आप जानते हैं कि जो समय चला जाता है वो वापस नहीं आता, तो ये 24 घंटे को हम किस तरह से उपयोग में ला रहे हैं। जैसा कि सामान्यतः देखा गया है, एक व्यक्ति 6 से 8 घंटे की नींद लेता है, 8 से 10 घंटे वो काम करता है और 2 से 3 घंटे उसको अपने घर में खाना पीना और नहाना धोना, इन सब चीज़ों डेली की दिनचर्या में लग जाता है। तो कुल मिलाकर के 20 घंटे तो आपके इन सारी चीज़ों में चले जाते हैं। बचते हैं आपके पास 3 से 4 घंटे। उन 3 से 4 घंटों में आपको, मेरी एक चिकित्सक होने के नाते ये सलाह है कि 1 घंटा हर व्यक्ति को अपने जीवन में अपने लिए प्रतिदिन जरूर निकालना चाहिए। इससे इस 1 घंटे में क्या करना है आपको, इस 1 घंटे में आपको अपने स्वास्थ्य को मेंटेन करना है। आपको अगर आपका अपना स्वास्थ्य सही नहीं रहेगा तो ना ही आप अपने परिवार, ना ही आप अपने सगे संबंधी, ना ही अपने बच्चों, ना ही अपने माता पिता के लिए कुछ कर पाएंगे। तो सबसे ज़रूरी है आप 1 घंटा अपने परिवार, अपने अपने खुद के शरीर के लिए निकालिए। उस 1 घंटे में आप कम से कम 30 से 40 मिनट की एक्सरसाइज, चाहे वो आप तेज़ी से टहलें, चाहे वॉक करें, चाहे मतलब किसी भी तरह की एक्सरसाइज में लगाएं, और 15 से 20 मिनट योगा, मेडिटेशन, ध्यान में लगाएं। तो ये 1 घंटा आपके इस शरीर को री एनर्जाइज करेगा और एक्टिवेट करेगा, ताकि बाकी के 20 घंटे को आप बहुत अच्छी तरीके से बिता सकें। अब आपके पास बचते हैं 2 से 3 घंटे। इन 2 से 3 घंटे में मेरी ये सलाह ये है, बीइंग एक मनोवैज्ञानिक सलाह आपके जीवन के लिए ये रहेगी कि कम से कम 1 से 1.5 घंटा पूरा का पूरा आप अपने परिवार को जरूर दें। इस 1 से 1.5 घंटे में परिवार को देने का मेरा मतलब यह है कि ये 1 से 1.5 घंटा पूरा का पूरा आपके परिवार के, आपके बच्चों, आपके माता पिता को मिलना चाहिए। पूरा से पूरा मिलने का मतलब है, जैसा कि देखते हैं हम कि हर व्यक्ति मोबाइल और इंटरनेट और लैपटॉप पे लगा पड़ा है, नहीं, आप लगिए, पूरा लगिए, अपना पूरा काम करिए, लेकिन 1 से 1.5 घंटा जो आपको अपने परिवार के लोगों के साथ बिताना है, उसमें सब लोग साथ में होंगे और किसी का भी मोबाइल ऑन नहीं होगा, सभी लोग या ऑन है तो आप उसे साइलेंट करके रख दें, ताकि आप अपना समय इधर उधर ना खर्च करें। बाकी काम करने के लिए मैंने आपको 20 से 21 घंटे दे दिए हैं, उनमें खूब आप बातें करिए, काम करिए, जो मर्जी आए करिए, लेकिन 1 से 1.5 घंटा अगर आप अपने परिवार के साथ में बिना मोबाइल, बिना कंप्यूटर, बिना लैपटॉप के खोले हुए परिवार में लोगों से बात करेंगे तो बहुत सारी समस्याएं
आपकी वहीं पे हल हो जाएंगी। और जैसा अभी मैं बता रहा था कि इंटरनेट और मोबाइल से बच्चों के ऊपर जो दुष्प्रभाव पड़ रहा है, उसमें भी उस एक से डेढ़ घंटे में अगर आप बच्चे से उसकी समस्याएं सुन लेंगे तो शायद वो उस आभासी दुनिया में ना जा करके आपके इस वास्तविक जो रियल वर्ल्ड है इसमें वो टिक जाएगा और वो अपने जीवन को एक रियलिस्टिक वे में आगे बढ़ाएगा और एक अच्छा जीवन व्यतीत करेगा।